खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तलवी अड्डा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर फिल्म के पहले अभी एक हफ्ता एक हफ्ते में रिलीज़ होने वाली है फिल्म। हर फिल्म के पहले मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, थोड़ा ना स्ट्रेस हो जाता है कि कैसी फिल्म जाएगी, क्या होगी, क्या होगा। पर मेरे हिसाब से हमने एकदम शिद्दत से ये फिल्म बनाई है, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। और ये मेरा आई फील कि ये फिल्म अच्छी जाएगी। पर क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए, हम फिल्म बनाते हैं लोगों के लिए, हम जो भी बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं, होपफुली पीपल लाइक इट। एक साथ हो गया। हाँ जी आई थिंक एक कलोक्वियल लैंग्वेज होती है कि हम जब एक साथ दोस्तों के साथ बैठते हैं या लड़के या लड़कियां जो भी हमारे करीबी दोस्त हैं, हम जब भी बात करते हैं ऐसे कभी कभार लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं, हमें इतना बड़ा हुहा नहीं बनाना चाहिए, ये कलोक्वियल वे ऑफ टॉकिंग है। ऑनेस्टली हर किरदार में कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं, पर अगर मतलब मैं मेहनती हूँ एंड ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज नहीं था, पर एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन थिंग्स। ऑब्वियसली मेरी बहन ने ये फिल्म प्रोड्यूस किया था तो उसमें एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये यू वॉन्ट टू डू योर बेस्ट। आई थिंक प्रेशर नहीं होता, आई थिंक हर फिल्म में जैसे नहीं मैंने कहा कि हर फिल्म में कोई ना कोई चैलेंजेस आती रहती है। और अगर मैं प्रेशर लेती कि मुझे क्या करना है, मैं फिर मैं काम नहीं कर पाती। आई थिंक आपको हर दिन में कुछ ना कुछ यू हैव सम चैलेंजेस, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहेंगे, यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं एक्टर नहीं होती, मैं फिल्म से जुड़ी रहती, मतलब मैं डायरेक्टर होती या राइटर होती या मुझे एट वन पॉइंट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया आल्सो, लाइक दैट्स व्हाई आई लाइक जर्नलिस्ट सो मच। आई थिंक द पेन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, आप ओपिनियंस बना सकते हैं लोगों के, यू कैन रियली शेप ओपिनियंस एंड शेप द वे पीपल थिंक। बट मैं बहुत ही खुश हूँ एक्टर, आई थिंक मुझे सूट करता है एक्टर होना। आई थिंक सबसे कठिन पार्ट प्रमोशन ही होता है। शूटिंग में कभी कोई मतलब यू नॉट पुट इन द स्पॉट, यू नॉट आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चंस, यू नॉट आस्क्ड अबाउट योरसेल्फ, सो आई थिंक इट्स नाइसर। आई थिंक हमें यार एक दो बार किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो आई वुड से आई वुड लाइक ऋतिक टू प्ले माई रोल। Every
every film that I do, I hope to break stereotypes in some way and inspire young people, women and men, to kind of look forward and feel like they can, you know, break the glass ceiling in some way. And Riya and I have always aspired to make films that kind of change the mindsets of people and at the same time entertain them. So now, Bhavesh Joshi is also releasing on the same day. Yeah. So, like, you want to say anything to your friend? Congratulations to Harsh that his second film is releasing, and I hope it does very, very well. So is there any competition or pressure? Or no, he is my baby brother. I hope his film does very, very well. ये फिल्म बहुत ही मेमोरेबल रहेगा क्योंकि ये फिल्म जो थी ये यू नो फॉर अनदर मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस टू से ओके टू डू दिस फिल्म आई थिंक ये एक नई पीढ़ी शुरू करती है फिल्म इंडस्ट्री के लिए. अगर ये फिल्म अच्छी जाएगी तो ये बहुत सारे यू नो वेज हमारे लिए खोल देगी. हमारे रोल्स आई थिंक बेहतर हो सकते हैं. यू नो आई होप दैट दिस होल आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन वुमेन गोज अवे. तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत खाना खाया और वी हैड फन. स्पेशली थाईलैंड में हमने बहुत मज़ा किया. हम धीरे धीरे वेडिंग के लिए बात करें, मुझे पॉलिटिकल क्वेश्चन ही आंसर करना है. उसने बहुत ही खूबसूरती से गाना गाया है और हम वी हैव एक्चुअली ब्रॉट हर डाउन फ्रॉम शिकागो एंड वी आर रिकॉर्डिंग समथिंग ब्यूटिफुल एंड इट्स अ सरप्राइज. नहीं, मैं अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ मेरी शादी को, बट देखें. अवनी शर्मा एक लॉयर है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसकी शादी नहीं हुई है. और अगर आपको और कुछ जानना है अवनी शर्मा के बारे में तो आप प्लीज़ बी दी वेडिंग 1 जून को देखिए. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. बाय बाय. ओके, थैंक यू. हम सभी को इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद है क्योंकि लोगों को ट्रेलर और गाने पसंद आए. आप बताइए कि अब फिल्म रिलीज होने वाली आप किस फिल्म से कितनी उम्मीद है? यू नो ये मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई होप बहुत ही प्यार से बनाई हुई ये फिल्म है. तो आई होप एवरीबडी गोज एंड वॉचेज इट एंड दे लाइक इट एंड आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट. तो आई एम रियली होपिंग कि आप सब जाएंगे 1 जून को और धीरे धीरे वेडिंग देखेंगे. एवरी डे देयर वाज समथिंग और द अदर दैट वाज जस्ट अमेजिंग. All of us, Kareena is damn entertaining. Swara's life is very entertaining, and Sonam and I just laugh. Sorry. As I said earlier, na, ki har din kuch na kuch chal raha tha, which was really funny. I think there was a time when ek scene tha jahan Swara ko she had to just jump down from a gate. एंड देन वॉक बिहाइंड अस. और वो बड़े बहुत ही बड़े हील्स में थी और अनफॉर्चुनेटली उस मेथड में वो थोड़ा उसका फुट थोड़ा ट्विस्ट होकर वो गिर गई. एंड सोनम का फर्स्ट रिएक्शन आई ओके था एंड मेरा अनफॉर्चुनेटली इन सिचुएशंस में हंसी होती है. सो आई वाज या ऑल ऑफ देम. या आप ये एक्टर से नहीं पूछ सकते कि आपका फेवरेट मेमोरेबल सीन कौन सा है. सारे के सारे बहुत ही स्पेशल है. वी वर देयर फॉर अ वीक सो वी हैड वेरी लिटिल टाइम टू एक्सप्लोर फुकेट. बट वी हैड अगेन एज आई सेड व्हेन यू आर वर्किंग विद वुमेन एंड मेन हु यू हैव सो मच फन विद एंड यू हैव सो मच फन कोलैबोरेटिंग विद इट्स अ जॉय. सो इट्स इट इज ग्रेट फन. मोदी सरकार 4 साल पूरे करेगी तो जन्म पुरस्कार कैसे देगी?
the fifth year finish and then let's talk. Okay, लोगों का ऐसा कहना है कि ये movie बहुत ही trend set करने वाली है, काफी different है और benchmark set करने वाली है. तो आप बताइए आपके लिए ये कितना different होने वाला है ये film मेरे लिए. For me ये जो आप कह रहे हैं कि ये benchmark film है और ये trend set करने वाली है और आप क्या कह रही हैं बता बोल दीजिए. अलग सवाल है. नहीं मुझे ये लगता है कि ये फिल्म बहुत ही रिलेटेबल है. ये फिल्म चार दोस्तों के बारे में है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है बस उसी के बारे में. सो आई थिंक इट्स एंड दे जस्ट हैपन टू बी गर्ल्स. सो आई थिंक एवरीबडी इज़ रियली गोइंग टू रिलेट टू इट एंड दैट्स द फन ऑफ दिस फिल्म. सो बॉयज़ गर्ल्स एवरीबडी शुड गो एंड वॉच इट. आई एम नॉट अ मदर, आई हैवंट एलोप्ड एंड गॉटन मैरिड. मीरा बहुत ही वो लाइफ का मजा लेती है, यू नो शी रियली इन्जॉयज हर लाइफ एंड आई थिंक आई लाइक टू हो आई होप दैट आई थिंक आई ट्राई टू डू दैट विद माई लाइफ. एंड शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड फियर्सली लॉयल टूवर्ड्स हर फ्रेंड्स. दैट आई कैन कम्प्लीटली टेल यू दैट मीरा एंड मी दैट इज सेम. या अच्छी फिल्में कर रही हैं तो थैंक्स यार. ऐसा पर्टिकुलर रोल है जो आप चाहती हैं कि हाँ इस तरह का किरदार अभी मुझे करना है क्योंकि हमने कई फिर से आप देखिए ना ये एक्टर को ऐसा नहीं पूछ सकते ना, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं. कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ इस तरह का रोल है या मैं वही कह रही हूँ मुझे सारे रोल्स करने हैं, मुझे तो सारे रोल्स करने हैं सारे के सारे. इनफैक्ट यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें काफ़ी सारे जो the men in this film there are many characters that I want to play those also. So yaar actors se ki question mat poocho ki ek aisa role sare. Okay, so first of June ko film aayi aapke fans ke liye. Haan ji please, Veere Di Wedding is releasing on 1st of June aapki nazdeeki theater mein, to aap please aiyega aapke sare veero ke sath aapki puri family ke sath, just come and have fun, it's you're going to love it I hope. Yeah, thank you so much. thank you so much. Bye, see you, thank you. ये कपड़े देखो इनके जूम लेंसेज बहुत फास्ट होते हैं. फिर ये शॉकिंग 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 हेडलाइंस. सो हैप्पी ही इज. हाउ मेनी हैव यू डन? अन संजीव जी अटके हुए हो आप लोग. स्टार्ट तो मतलब एकदम ही गटर एंटरटेनमेंट डज मीन गटर. हाय 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 कॉल फॉर साइलेंस गाइस. नहीं मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर क्योंकि वीरे दी वेडिंग मेरे लिए तो बहुत हर तरीके से नई नया अवसर है. मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं किया है, मैंने कभी अमीर किरदार नहीं किया है सबसे पहली बात तो, कभी इतना ऑब्वियसली ग्लैमरस वेस्टर्नाइज्ड कैरेक्टर नहीं किया है. पिछली अर्बन कैरेक्टर जो मैंने प्ले की थी वो थी लिसन अमाया में फारूक सर और दीप्ति नवल मैम के साथ, जो बहुत रियल बहुत ही एक मतलब नॉर्मल रियल स्टाइलिंग को अगर देखें एस्थेटिक्स को देखें तो बहुत सिंपल था वो. वीरे जैसा बिल्कुल ही वो एकदम वाइब नहीं था. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो आई थिंक एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म में एक लीड रोल करीना कपूर सोनम कपूर के साथ की इक्वल का रोल मेरे लिए इट्स बिग बिकॉज मैं कमर्शियल स्पेस में मैंने हमेशा सपोर्टिंग मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं. सो इट्स अ बिग फिल्म फॉर मी. आई एम वेरी एक्साइटेड. या आई एम इन फैक्ट मेरे यू नो गाइज द ट्रूथ इज़ मेरे काफ़ी मतलब मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे सारे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो या तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं और एक दो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं. सो मैंने मुझे लगता है कि मैंने 22-23 साल के बाद दोस्ती करनी छोड़ दी. अगर हम देखा जाए कि प्रीवियस मूवीज़ में भी हमने आपको देखा कि काफ़ी अलग था और दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फॉर यू आई कैन से. ये गाली देती हुई और आई थिंक ये आप हर किरदार में अपना कुछ छोड़ जाते हो और उस किरदार का कुछ ले लेते हो. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ बींग एन आर्टिस्ट. तो डेफिनेटली बहुत सारा कुछ मेरा साक्षी में है
और शायद मैंने साक्षी से कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन साक्षी थोड़ी साक्षी जैसा बनने के लिए साक्षी के जितने पैसे चाहिए उतने नहीं है मेरे पास, मेरे पापा के पास भी नहीं है. आई वुड बी अ टीचर. आई लव वर्किंग विद चिल्ड्रन. मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करना, बच्चों के साथ मैं कुछ ऐसा कर रही होती जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते. सो आई थिंक अ टीचर वुड बी गुड. When we talk about the social networking side, so now we can see Swara knows it very well to how to handle trollings and everything. So वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो अभी क्या करेंगे, सामने से इतने मतलब लात और जूते पड़ रहे हैं तो फिर थोड़ा डॉज करना सीख लेते हो आप. रिसेंटली आपके एक पोस्ट में रिसेंटली आपने एक ट्रोल को हैंडल आउट किया था व्हेन पीपल कंपैरिजन यू एंड दैट निर्मा. नो बट वो तो ट्रोल नहीं था, मुझे तो बहुत फनी लगा वो मीम. मुझे लगता है जब आप इंटरनेट के मीम बन जाते हैं मतलब कि फिर बस आप बिल्कुल यू अराइव्ड, आप मतलब पब्लिक की कल्पना में आ गए हैं. सो मुझे वो निर्मा वाला मीम तो बहुत ही फनी लगा. इनफैक्ट जब मैंने वो मीम देखा बिकॉज जिन्होंने बनाया था उन्होंने मुझे टैग किया था, आई वॉज द फर्स्ट पीपल टू कॉमेंट एंड से एब्सोल्युटली हिलेरियस. किशन जी आप सवाल पूछ लो एक मिनट उनको. हाँ नहीं नहीं अभी तो पूछना पड़ेगा, बोलो यार. धरना, ही स्टार्टेड धरना दे साइलेंट प्रोटेस्ट पे है वो. से नो ट्रोलिंग ओनली यू आस्किंग अबाउट स्वरा. मुझे नहीं, वो कहानी ऐसी आप फिल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे. आप बहुत ही नहीं नहीं इट्स अ फ्रेश स्टोरी. ऐसी कहानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल बॉलीवुड में हमने देखी नहीं है पहले. एंड मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरे को जब रिया ने फिल्म ऑफर करी थी तो मीरा का किरदार ऑफर किया था जो शिखा प्ले कर रही है, लेकिन चूंकि मैंने तनु एड्स मनु रिटर्न्स जस्ट ख़त्म करी थी और एक बच्चा लेके मैं उस फिल्म में भी घूम रही थी तो मैंने कहा अभी एक और बच्चा मैं नहीं उठा सकती, लाइक मुझे चाहिए ब्रेक बच्चों से. तो आई बट एंड साक्षीज कैरेक्टर मेरे लिए कुछ नया था, मैंने ऐसा किरदार नहीं किया है पहले, तो मुझे लगा कि एंड मुझे थोड़ा डर भी लगा. मुझे लगा यार मैं साक्षी जैसे ग्लैमरस एकदम इन चारों में से एक्चुअली सबसे ग्लैमरस साक्षी है. तो मुझे लगा भाई जहाँ करीना कपूर है जिस फिल्म में और सोनम कपूर जिस फिल्म में उसमें उनसे ज़्यादा ग्लैमरस लाइक कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कर पाऊँगी. तो वो मेरे लिए चैलेंज था, वो चैलेंज एक्चुअली रिया कपूर ने पूरा किया है. आई मीन आई थिंक ये पोस्टर तो रिया ने कंसेप्चुलाइज किया था, सो वी शुड आस्क हर. बट आई थिंक द होल पॉइंट ऑफ दिस फिल्म इज कि गर्ल्स आर वी आर जस्ट लाइक बॉयज, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स, वी डू द सेम थिंग्स, वी हैव द सेम प्रॉब्लम्स. हमारे भी हम भी कन्फ्यूज हो सकते हैं, हम भी हमारे जिंदगी में भी यू नो हिंदी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है भसूड़ी, हमारे जिंदगी में भसूड़ी फैल सकती है, हम भी कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं, यू नो. सो जो तो उसी एस्थेटिक में कुछ विजुअली इंटरेस्टिंग कैप्चर करने के लिए, एंड चूंकि वीरे दी वेडिंग टाइटल है तो हमने कहा ठीक है यार, मतलब हम इस बार हम शेरवानी भी हम पहन लेंगे. भाई फिल्म देखिए आप. नो इट्स जस्ट लाइक साक्षी, वो साक्षी है. देखिए 105 साल से हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने बहुत बेहतरीन काम नहीं किया है, महिलाओं ने बहुत अहम भूमिकाएं नहीं निभाई हैं कैमरे के आगे और पीछे, लेकिन अगर हम ज़्यादातर देखें तो आदमियों ने ही जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहा है. वो प्रोड्यूसर ज़्यादातर आदमी रहे हैं,
डायरेक्टर्स ज़्यादातर आदमी रहे हैं, अगर हम 100 साल का इतिहास देखें राइटर्स ज़्यादातर आदमी रहे हैं, तो वो जो मेल एक पर्सपेक्टिव है, जो नज़रिया पूरा ओवरवेलमिंगली मेल रहा है, वो दिखाई पड़ता है हमारी फिल्मों में. ऑफकोर्स उनमें बंदनी जैसी फिल्म आ जाएगी या मुगले आज़म जैसी आ जाएगी, मदर इंडिया आ जाएगी, लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखें तो पूरा नज़रिया फिल्मों का मेल नज़रिया है. अब जहाँ औरतें डायरेक्टर्स बन रही हैं, प्रोड्यूसर्स बन रही हैं, एकता इज एंड्रिया वुमेन प्रोड्यूसर्स, हमारे जो राइटर हैं मेहुल और निधि, निधि इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ मदर, दे आर फोर एक्ट्रेसेस इन दिस फिल्म, ऑल वेरी कॉम्पिटेंट एक्ट्रेसेस. सो आई थिंक दैट व्हेन वुमेन स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट मेकिंग एंड स्टार्ट टेकिंग द कंट्रोल, यू विल सी दैट चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद वीरे दी वेडिंग. अदर थिंग आई रियली लाइक टू से, यू नो, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक हम बहुत बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म जो औरतों के बारे में हो वो उसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, कोई बहुत सीरियस मुद्दा हो, वो अन्याय की कहानी हो, कोई रेप हुआ हो, कोई यू नो मोलेस्टेशन हुआ हो, हिंसा हुई हो, वो फिल्में भी बननी चाहिए. मैं उसी स्पेस से आ रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ कि वो फिल्में ज़रूरी हैं, बननी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों पर हर फिल्म जो बने उसमें कोई मुद्दा हो, कोई सामाजिक मुद्दा हो. कभी कभी औरतों पर एक कमर्शियल फिल्म बन सकती है जिसमें मज़े हों, जिसमें औरतें दोस्ती की कहानी है, उनकी कन्फ्यूजन की कहानी है, और कहीं पे उसी सारे मज़े में कुछ शायद वो नई बात कह जाए, एंड आई थिंक दैट्स वी रियली वेडिंग. I think your answer is in your question only. Yeah, I think so. No, I think, I mean, I just gave that exact same answer. I think that this is a film which, that every film about women and a women-centric film does not have to have a, first of all, this woman-centric is, that I have a problem with labeling a film as woman-centric, because for 100 years, all the films that were made, were we saying male-centric and male-centric? We were never saying that. You keep saying chick flick, do you call a film a dick flick? You never do that. So then why are these labels put on girls? So or things relating to women? So I think that absolutely this is a film, every film about a woman does not have to have an issue, a social issue. Yes, it can, but I'm just saying it doesn't have to. And I think that this is no one film can change the entire world. It's not possible. It's a false expectation to have. It's also a false expectation to have from Bollywood that Bollywood will solve all the problems of India. This is a film industry. We are a medium of expression. We mirror what is happening in our society. So because society is changing, therefore the structure and the composition of our film industry is changing, and therefore different kinds of stories are being written and are being made. So I think, yeah, I think the film will definitely break new ground, and I think that it will give confidence. I'm sure the film will do very well, and it will give confidence to other people who have stories to tell that have not been told yet. And yeah, absolutely, I'm very excited and hopeful for this film. Thank you.